आदर तो हमेशा प्रसंग के ऊपर ही होता है ना, लेकिन संबंध 24×7। महावीर के साथ आपका 24 घंटे का संबंध नहीं है, बस ये समय करने को बैठे तब महावीर के साथ आपका संबंध, ये रिस्पेक्ट। हम 24 घंटे के लिए साधु कि नहीं अशोक भाई? अभी मैं विहार करके यहां आया, वापस मैं चला जाऊंगा, मैं मकान में हूं तब भी साधु, और मैं रोड के ऊपर चलूं तो भी, मैं दिन में अपनी जगह पे बैठा हूं तो भी साधु, और रात को मैं संथारे के ऊपर लेट जाऊं तब भी मैं साधु, मैं उपवास करूं तो भी साधु, और मैं गोचरी करूं तब भी साधु। मेरे लिए आप हमेशा के लिए कहोगे बाउसी आप 24 घंटे के लिए साधु हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं कि आप 24 घंटे श्रावक, 24 घंटे के लिए आप श्रावक हो? हम मंदिर में श्रावक, हम स्थानक में श्रावक, हम तेरापन भवन में जब जाते हैं तब श्रावक, हम उपाश्रय में जाते हैं तब श्रावक, हाँ हम समाय करते हैं तब श्रावक। जरा बताना, हम दुकान में श्रावक, हम घर में श्रावक, हम होटल में जाते हैं तब श्रावक, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? जरा बताइए आपकी आइडेंटिटी क्या है? हम बदलते रहते हैं, हमारा कोई एक कलर नहीं है, वी आर मल्टी कलर्स, हम बदलते रहते हैं। सुबह में अलग, दोपहर में अलग, शाम को हम अलग रहते हैं। रिलेशन एक ही होता है, बदलते नहीं है। आइए मैं आपको तीसरी बात पूछूं। आज यदि मान लो जेसीआई आपके पास एक बात रजू करे कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है तो हमें जीव दया के लिए राशि इकट्ठी करनी है, आप लिखवाओगे कि नहीं लिखवाओगे? कोई 500 लिखवाए, कोई 5000 लिखवावे, कोई 50000 लिखवावे, बराबर है? जीव दया में पैसा लिखवाया, महावीर के साथ वह रिस्पेक्ट था कि रिलेशन था। आपने आज तक लाखों रुपये जीव दया के अंदर लगा दिए हैं, वह रिस्पेक्ट था कि रिलेशन था? मैं रिलेशन तब मानूं जब आपके जीवन में भी जीव दया का पालन होता हो। घर के अंदर यदि दीमक हो गई, हम क्या करते हैं? इंजेक्शन मार के उन दीमक को खत्म करते हैं। जरा पूछो, घर में चींटी हो जाती है, पाउडर डाल के, दवाइयां डाल करके इन चींटी को रवाना करते हैं, कहां? उनके घर पे कि ऊपर? हमारे घर के अंदर यदि जीव हिंसा चलती है और हम लाखों रुपए जीव दया में लिखवाते गए, जरा बताइए ये जीव दया महावीर के साथ रिस्पेक्ट है कि रिलेशन है? अहिंसा परमो धर्म बोलने के लिए, जो अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं उनके घर के अंदर अहिंसा का कितना पालन होता है? पानी छान के पिया जाता है, ब्रिस्लेरी की बोतल जब पीते हैं तब पता चलता है कि इस पानी को किसने छाना होगा, होटल में जब जाते हो तब पता चलता है कि यहां का पानी किसने छाना होगा। कभी कभार कोई कहते हैं कि महाराज साहब हम जैना पूर्वक होटल में जाते हैं, वारे वाह, होटल में जैना क्या होती है? बस सब देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे किचन में कोई जाने देगा आपको? जो पानी छान के नहीं पीते हैं, जिनके घर के अंदर दीमक के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, और उससे भी आगे की बात कर दू, एक पाप हमारे जैनों में भी आज प्रवेश कर चुका है, जिस पाप के लिए कहा जाए कि वह पाप नरक का द्वार है। यह पाप यदि तुम्हारे घर में प्रविष्ट हो चुका हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जीव दया में जो भी फंड लिखवाते हो वह रिस्पेक्ट है, रिलेशन नहीं है। कौन सा पाप है? कौन सा है?
गर्भ हत्या। जैनों के घर के अंदर अभी गर्भपात चालू हो चुका है, एबॉर्शन। हम जैन एक चींटी को नहीं मारने वाले, पेट में आया हुआ बच्चा अब नहीं चाहिए, उस बच्चे को खत्म कर दो। सोनोग्राफी करवाते हैं ना, डॉक्टर ने कहा कि सी इज मेंटल रिटायर, वह कुछ काम में नहीं आएगी, आप उसको अंदर ही। हमें याद नहीं आया कि मैं उसे अंदर खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं कितना पाप बांधूंगी, दूसरे जन्म के अंदर बार बार मेरी गर्भहत्या होने वाली। मैंने सुना है सोनोग्राफी का मशीन भी कभी झूठ होता है। जैनों की श्राविका डॉक्टर के कहने के बावजूद भी बच्चे को जब जन्म देती है, थोड़ी सी जो डिफेक्ट होती है उसके पीछे जब मेहनत करती है, वह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। क्यों डॉक्टर का मानते हो, क्यों महावीर का नहीं मानते हो? महावीर के साथ रिलेशन होता ना तो यह हत्या नहीं होती।